यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जनपद गोरखपुर में बच्चों की हुई मौत के बाद उनकी मां की सिसकियां अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही ने एक बार फिर मासूमों की मौत की खबर से सनसनी फैला दी है। मामला जिला अस्पताल के NICU वार्ड का है, जहां देर रात बिजली कटौती के चलते इमरजेंसी हेल्थ सेवा अचानक बुरी तरह प्रभावित हो गई। नतीजा यह रहा कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस पूरी घटना में चौंकाने वाली बात यह है कि वार्ड की तीमारदार एक मां ने तीन बच्चों की मौत का खुलासा किया है, तो वहीं जांच के लिए पहुंचे प्रशासनिक अफसर एक बच्चे की मौत की पुष्टि कर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए क्या कहना है वार्ड में बच्चे का इलाज कराने आई रन्नो देवी का। लाइट की दिक्कत है, लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई तो सारे बच्चे परेशान। कब से ये आज कम से कम 10-12 दिन हो गए जब से मेरी डिलीवरी हुई है, मैं यहाँ पे आई हूँ, तब से मैं यहाँ देख रही हूँ, यही बताया जा रहा है जनरेटर का इंटरनेटर खराब है, इसीलिए लाइट नहीं आ रही है। बहुत छोटे छोटे बच्चे, कैसे आपको यहाँ पालते? अब किसी तरह पालते, मजबूरी में पालते ही है, जब लाइट आती है तब हवा मिलती है, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं। एक मिनट ठहर लीजिए, जो बच्चे ऑक्सीजन में है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लाइट के बाद। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? लाइट से ऑक्सीजन का कोई कनेक्शन नहीं है। एक मिनट मैडम, ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं बच्चों को? नहीं, नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन लाइट के। बच्चे कौन से बच्चे भी मरे हैं? हाँ, अभी तीन बच्चे मरे। एक मिनट आप छोड़िए, पहले कितने बच्चे मरे हैं? तीन बच्चे मरे हैं। कौन वो कहाँ है बच्चे? अब उनको लेके भेज दिया गया, ले जाइए ले जाइए। अभी तो बच्चे बच्चों की मौत के सवाल पर डीएम कौशाम्बी ने सरकारी मुलाजिमों और डॉक्टरों का बचाव करते हुए वार्ड में केवल एक ही बच्चे की मौत की बात को स्वीकार किया, लेकिन उसकी मौत का कारण भी वह अपने बयान में छुपाते नजर आए। आखिर गोरखपुर में इतने बच्चों की मौत हो जाने के बाद भी बाकी के अस्पताल इससे सीख क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों बार बार अस्पतालों की लापरवाही सामने आ रही है? इस मामले में योगी सरकार अस्पतालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये कुछ चंद सवाल हैं जो पीड़ितों की जुबान पर बने हैं, जिनका जवाब वो सरकार से चाहते हैं। SPN 9 न्यूज के लिए कौशाम्बी से दिलशाद अहमद की रिपोर्ट।